दोस्तों महिला मोहम्मद से पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मुमरा के अंदर फिर एक बार कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है और ऐसा लगता है कि अपने उम्मीदवार जो बाबा जी पाटिल है इनको कांग्रेस समर्थन कर रही है और इनको जिता के ही दम देगी। इस तरीके से जो उनके अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जो उनका हौसला है तो उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मतलब बाबा जी पाटिल जो है ये बाजी मार के लेके जाएंगे। और कल कदम हॉल के पास एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग में मतलब जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे मनोज सिंधे और अनिस कुरैशी और नूर खतीब ये मतलब जितने भी मतलब वहाँ बड़े बड़े नेता थे ये सब लोग आए हुए थे और इसी मतलब मुद्दे को लेके एक जो है रणनीति एक तय की गई है कि हाँ भाई हमको कैसा काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन सब चीजों से जो है लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस जो है मतलब जिस तरीके से 15 साल या 10 साल पहले रहा करती थी उसी तरीके से कांग्रेस हर जगह पे मतलब वापस से आएगी। इसी बारे में आइए हमने कुछ अनिस कुरैशी साहब से कुछ बात की है इसी मुद्दे को लेके, आइए सुनिए कि वो क्या कहते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय है, थाना कलवा मुमरा उसके अलावा कल्याण उल्लासनगर जहां जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है पूरे जोर से शोर शोर से बाबा जी पाटिल का जो है समर्थन कर रहे हैं। दूसरी चीज पूरे देश भर में जो राहुल जी के नेतृत्व में ये लड़ाई गांधी 20 घोड़ थी इस लड़ाई में पूरे देश में जो सेकुलर विचार की पार्टी एक साथ में आए हैं और जो फिरका परस्ती ताकत है जो चुनिंदा उद्योगपतियों को जो मदद कर रहे हैं उसे रोकने का यह काम किया जा रहा है। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, इस देश के संविधान को बचाए रखने के लिए, इसकी गरिमा को बचाए रखने के लिए तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता इस विचार का कार्यकर्ता इकट्ठा होकर हमारे अगाड़ी के उम्मीदवार को मदद करेगा हर जगह पर। मुमरा में खास तौर से मैं मुमरा की आवाम से कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि कई मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पिछले समय हम लोगों ने आंदोलन किया टोरंटो को लेकर एक निजी कंपनी को जिस तरह से यहाँ के पालक मंत्री ने दिखावा किया स्थगिति देने का, अगर वो चाहते तो इसका करार रद्द कर सकते थे मगर ये थोपने का काम मुमरा के आवाम के ऊपर वो कर रहे हैं और इसका जवाब इस इलेक्शन के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से मुमरा की नहीं तमाम इस लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। नाराजगी उनकी जो भी कार्यकर्ता की नाराजगी ऐसे मौके पर रहती है मगर जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रवादी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो आरपीआई गवाईगढ़ के गवाड़ेगढ़ के जो जो सेकुलर विचार के लोग हैं वो अपने नेताओं पर और ये मौजूदा सरकार के पिछले 4.5 साल के जो कार्यकाल में उनके दौरान जो पूरे देश भर में वातावरण हुआ, जो अराजकता फैली है उसे रोकने के लिए बेशक सब कुछ चीज भुलाकर अपने उम्मीदवार की मदद करें। थैंक यू। मैं लाल मोहम्मद से फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।